हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, कैसे आप सब। आपका फिर से स्वागत है एक नए ब्लॉग में। आज हम लोग जा रहे हैं धूलपेट। यहाँ पे मिलेंगे हमें गणेश आइडल्स। आपकी डिमांड है, पब्लिक डिमांड कभी ठुकराई नहीं जाती, उसको स्वीकार किया जाता है, इसलिए हम लोग चल रहे हैं धूलपेट। मेरी एसेसरीज भी लेडी है, देखिए आप। मेरा ये कैमरा, बोले तो एक्शन कैमरा, रेनकोट वगैरह सामान और कुछ बैटरी, पावर बैंक समथिंग, मेरा सब कुछ रेडी है आपके लिए। अभी हम लोग निकल रहे हैं, कुछ ही समय बाद मिलते हैं आपसे। बाय बाय। हाँ तो गाइस, पहले करते हैं गाड़ी को क्लीन, क्योंकि गाड़ी हो रही है बहुत ज्यादा गंदी। थोड़ा सा पोछा मार लेते हैं अपने हिसाब से। अभी हम चल रहे हैं पवन के पास। पवन हमें मिलेगा फोकट पंडित के पास। और अभी वो जिन पे सो रहा था, मैंने बहुत लोगों को कॉल किया, आधे लोगों ने रिस्पॉन्स किया नहीं। तो पवन हम लोगों के साथ धूलपेट जा रहा है। यहाँ पे हम ब्लॉग शूट करें किसके लिए, गणेश आइडल्स के लिए, क्योंकि गणेश चतुर्थी आ रही है, साथ ही साथ बप्पा दिवस आ रहा है, समझ रहे ना, बप्पा दिवस भाई। तो ठीक है, आगे मिलते हैं अपन। नॉर्मली कुछ नहीं, ट्रैफिक देखो आप, कोई भी ट्रैफिक वगैरह कुछ भी नहीं है। अपनी गाड़ी रेडी है, अपना कैमरा रेडी है, एक्शन कैमरा। अभी अपन मूव करते हैं, चलो मिलते हैं आगे। तो भैया रीजन ये है, मैंने सुबह सुबह कॉल तो बहुत सारे लोगों को किया, लेकिन ज्यादातर लोगों ने कॉल रिस्पॉन्ड नहीं किया। कुछ लोग, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ अगर एक के भरे अगर दो लोग जाते हैं ना, तो वो थोड़ा क्या है, टाइम पास भी हो जाता है, एक दूसरे के साथ में रहते हैं और सामने वाला घूम भी लेता है कि हाँ भाई ये घूम रहा है तो अपन भी घूमते साथ में। ठीक है, कोई नहीं, होता है, सबका टाइम आता है भाई। अच्छा, तो ये वाली वीडियो जो चल रही है ना, इसमें मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देता हूँ, अपना जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उससे गिव अवे रहेगा 100 रुपीज का, और जो क्वेश्चन रहेंगे उसके अंदर क्वेश्चन का आंसर जो फर्स्ट देगा उसको 100 रुपीज गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जो भी आप चलाते हैं ना उसके थ्रू आपको पहुंच जाएगा पैसा। अभी मेन चीज क्या है, क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चंस मैं रखने वाला हूँ, क्वेश्चन जो रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे हमारे पुराण, रामायण, महाभारत, इनके ऊपर। मेरा मानना यह है कि हमारी जो जनरेशन है, आधे से ज्यादा लोगों को पता नहीं है राम के पिता का नाम क्या था, राम भगवान के पिता का नाम, सॉरी राम बोल रहा हूँ मैं, राम भगवान के पिता का नाम क्या था। ठीक है, आधे लोगों को पता नहीं है अंजनी पुत्र हनुमान जी हैं, उनकी माँ का नाम तो अंजनी है लेकिन उनके पापा का नाम क्या है, हनुमान जी महाराज के पिताजी का नाम पता नहीं है। सपोज ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिनका आपको परफेक्टली आंसर देना है, जिसका आंसर फर्स्ट परफेक्टली रहेगा उसको 100 रुपीज गिव अवे, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी भी चीज से, आप जो भी चलाते हैं ऑनलाइन पे उसके थ्रू आपके पास पहुंच जाएगा। मैं खुद ही आपसे कांटेक्ट करूंगा, आपको बस कुछ नहीं करना है, उस पर आपको अपना कांटेक्ट नंबर भेज देना है, साथ ही साथ कमेंट लिख देना है कि इसका आंसर ये है। ठीक है, अभी तो जितने भी लोग हैं हमारे, अभी हमारी जो टीम है एक, उस टीम में जितने भी लोग जुड़े हैं ना, वो सब लोग तैयार रहे, आपके लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मेरे लिए भी अपॉर्चुनिटी है। पूछो तो क्यों, क्योंकि मैं मेरे पुराणों के बारे में जानकारी खुद से लूंगा। ठीक है, आपको लेंगे ही लेंगे, मतलब आपको तो जानकारी मिलेगी मिलेगी, सपोज आप भी फाइंड आउट करेंगे, और मैं भी अपने पुराणों के बारे में जानकारी खुद लूंगा, मुझे भी पता चलेगा भाई इस चीज की जानकारी तो मुझे पहले थी नहीं। अभी मैं जा रहा हूँ फिलहाल में अपने दोस्त मिस्टर पवन को लेने, क्योंकि वो अभी तो सो पड़े थे, उनका अभी कॉल आया था मेरे पास, तो वहां पे जा रहा हूँ मैं। वो उठ जाएगा बंदा तो फिर उसके साथ फिर जाना है ब्लॉग शूट करने। ब्लॉग शूट करने क्या मेन चीज क्या है, मेरे को सबसे अच्छा ये लग रहा है, मैं बप्पा के लिए ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, बहुत टाइम बाद बप्पा के लिए वीडियो वगैरह एडिट वगैरह किया मैंने, लेकिन बप्पा के लिए इस बार मैं ब्लॉग शूट करने जा रहा हूँ, और वो भी ऐसी जगह पे यहाँ पे सबसे ज्यादा बप्पा की मूर्तियां सेल्स होती है और बनाई जाती है, आइडल्स बनाए जाते हैं, वहां पे मैं जा रहा हूँ। देखते हैं कितना टाइम लगता है, अभी मैं निकला हूँ, समय तो लगेगा भाई, क्योंकि समथिंग 18 किलोमीटर अभी मेरे को जाना है, तो टाइम तो लगेगा, कोई ना, बप्पा के लिए सब कुछ हाजिर है। हेलो, आ रहा है? हाँ हाँ, 5 मिनट भाई। हाँ तो भाई, अभी पवन का कॉल आया था, पूछ रहा था आ रहा है कि नहीं, मैं तो आ रहा हूँ ऑन द रूम, मैंने बोल दिया। तो फाइनली हमें पवन मिल गया, लेकिन बड़ी मुश्किल से मिला, ये तो क्लियर बात है। देखिए हाय कैसे लोग, चलिए पवन के साथ आगे चल रहे हैं, ब्लॉग बनाएंगे, साथ ही साथ धूलपेट इसे भी घुमाएंगे और हम भी घूमेंगे।
फिर से एक और हम शॉप पे आ गए हैं जिसका नाम है विक्की गणेशा आर्ट्स, करेक्ट? ओके, उसके साथ एक छोटू है हमारे साथ, आइए प्लीज। नाम क्या है आपका? काना। काना नाम है इनका। काना, आप हमें बता सकते हैं गणेश जी का प्राइस क्या है, यहाँ पे क्या प्राइस रेट रहे हैं गणेश जी का? सपोज हमें ये खरीदना है, इसका रेट क्या है? ओके, 72,000। इसका नाम टाइगर गणेश है और 72,000 इसका प्राइस है, मतलब आप खरीदने आएंगे 72,000 में खरीदने। कुछ बार्गेनिंग वगैरह होगी, कम ज्यादा होंगे, कितना कर सकते हो? 2,000-4,000 रुपये तक आपके साथ बार्गेनिंग हो सकती है पर पीस पे। ऐसा नहीं है कि यही है, और भी पीसेस हैं हमारे पास, जैसे लॉट ऑफ पीसेस, यहाँ पे आप किसी भी पीस को खरीदने के लिए आ सकते हैं। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे फीसेस हैं गणेश जी के, एक से बढ़ के एक आप जो खरीद सकते हैं यहाँ पे आके। देखिए कितने सारे पीसेस हैं, आप कोई सा भी बुकिंग कीजिए, उन्होंने बोला है 5,000 तक आपका कम हो जाएगा, थोड़ा डाउन कर सकते हैं वो लोग। आप जितने जल्दी आ सकते हैं उतने जल्दी आकर बुकिंग कीजिए और अपने गणेश जी, अपने विनायक घर लेके जाइए। थैंक यू सो मच। गाइस, तो एक लोकेशन हमने अभी देख ली है, लेकिन अभी और लोकेशंस पे हम लोग और ज्यादा गणेश जी देखने के लिए चल रहे हैं आगे, क्योंकि उन्होंने बताया आगे धूलपेट जाइए और मिलेंगे। देखिए यहाँ से आप शोपीस देख सकते हैं कितने पीसेस रखे हैं यहाँ पे गणेश जी के लिए। यहाँ पे आप गलियों में देखेंगे ना, पूरे गणेश जी के पीसेस मिलेंगे। साथ ही देखा जाए ना, तो आप आएंगे इस एरिया में तो जो भी दुकान वाले हैं ना, उनका बिहेवियर भी आपको पोलाइटली मिलेगा, अच्छा बिहेवियर मिलेगा। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था, विनायक गणेश चतुर्थी आ रही है, उसके लिए हम लोग शूट करने के लिए आए यहाँ पे। भैया हमारे साथ में है जो कि हमें विनायक के बारे में जानकारी देंगे। इनकी शॉप का नाम है विनायक आर्ट, विनायक आर्ट से भैया है जो कि मैन्युफैक्चर करते हैं गणेश जी की जो तस्वीर होती है उसके लिए ना, ठीक है? देखिए इस प्रकार से ये गणेश जी होते हैं यहाँ पे, ये भैया है इस कंपनी के, मतलब जो बनाते हैं ना, क्रिएटर है ये यहाँ पे। इस प्रकार से कि ये गणेश जी हैं यहाँ पे, ये बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। भैया इनका प्राइस बताएंगे भैया, ये ऐसे कि ये गणेश जी हैं, इनको कोई खरीदने आता है, इनका रेट क्या रहेगा? ओके, 70,000 रहेगा। सपोज आप थोड़ी बार्गेनिंग वगैरह अगर करेंगे ना, तो 65-60 तक दे देंगे, तो आपके लिए ये ऑफर बहुत अच्छा है, वैलिड सकते समथिंग। आप बताएंगे बुकिंग कब तक होता है, ये बुकिंग कब तक हो जाता है? ठीक है, गणेश जी के लिए अभी से आप बुकिंग कर सकते हैं। कितने दिन पहले से बुकिंग स्टार्ट हो जाती है भैया? समझ रहे ना आप, 2 महीने, सपोज 2 महीने समझ लो आप, 2 महीने पहले से आपको बुकिंग स्टार्ट हो जाती है। 45 बता रहे ना, 60 डेज पहले से आप बुकिंग कर देंगे, जो भी गणेश जी आपको चाहिए, जैसा आपको मैन्युफैक्चर करवाना है ना, मैन्युफैक्चर वैसे ही बना के देंगे। जैसा आपको लुक चाहिए, आपको उनके साथ चूहा चाहिए, चूहा जो रहता है गणेश जी की सवारी, वो भी चाहिए, मुंह सकना, वो भी मिलेगा, सब आपको डेकोरेट फुल तरीके से मिलेगा। और भी पीसेस हैं यहाँ पे गणेश जी के, आप देख सकते हैं।
और जैसा कि इसका धोती का कलर बोलते वो भी हम अलग से आपको मार्केटिंग है। जैसा कि आपको उनके कपड़े अगर चेंज करने हैं, उनके कपड़ों का कलर आपको चेंज रखना है, तो आपको जैसा डिजाइन आप बोलेंगे वो डिजाइन मिलेगा। खत्म हो गया 70 खत्म हो गया, 35 पीसेस ओनली बचे हुए हैं। समझ रहे हैं आप, आपके लिए ये ऑफर वैलिड समय के लिए। आइए इनके शॉप पे विनायक आर्ट्स पे और जल्दी से जल्दी जितना भी बुकिंग कर सकते हैं फास्ट फास्ट करना। भैया बोलिए इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक करने के लिए, बोलिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। हमारे भैया का चैनल बहुत ही अच्छा यूट्यूब चैनल है। ठीक है तो चलते हैं नए ब्लॉग में। देखिए आप एक बार व्यू दिखा देते हैं हम। ये भैया है टोटल आर्ट्स है, बच्चा भी है क्यूट क्यूट, टोटल व्यूज है। और भी हम फैक्ट्री में जा रहे हैं आगे, उसमें भी हम शूट करेंगे। चलिए आगे मिलते हैं भाई। भाई लोग तो गणेश जी की समथिंग 3 to 4 शॉप्स में हमने घूम लिया है, जहाँ पे रेट जो भी है गणेश जी का उस रेट पे बात कर ली है। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि अभी हमारा टाइम हो गया है घर जाने का। और समथिंग हम सोच रहे हैं खैरताबाद में कोई गणेश जी भी है, भले पवन को पता है, मुझे तो जानकारी नहीं है क्योंकि मैं अभी तक आया नहीं इस एरिया में। कम ही आया लास्ट टाइम, लेकिन कम आया। तो अभी देखते हैं वहां पे जाके किस प्रकार से, मतलब गणेश जी जो है ना यहाँ पे कितने बड़े हैं, क्या मंदिर है शायद, तो मैं भी नहीं है खैरताबाद में। हालांकि मैं आया हूँ बिरला मंदिर में आया हूँ, मेरी ताजे पुरानी जो याद है वो ताजा हो गई। हुसैन सागर में घूमा, उधर का जो लेक व्यू है, अभी वो लेक व्यू तो भी घुमाना पड़ेगा ना आपको, इतने दूर आया तो मतलब लेक व्यू नहीं दिखा तो क्या पड़ा, क्या किया मैंने क्या नहीं किया, वही समझ में नहीं आया ना आपको। भाई इतने दूर आए तो थोड़ा सा और खर्चा उठाएंगे, थोड़ा और तेल जलाएंगे और आपके लिए कुछ यादें कुछ अच्छी चीजें दिखाएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम बैक। गाइस तो अपनी वीडियो का एंड हो रहा है क्योंकि पवन को उसकी लोकेशन तो छोड़ रहा हूँ मैं, और दूसरा मेरे कैमरे ने धोखा दे दिया, वो डिस्चार्ज हो गया था, इसलिए हम लोग ज्यादा शूट नहीं कर पाए। मुझे लग रहा था 15 to 20 मिनट का ब्लॉग बनेगा, लेकिन वो कम कर रह गया अभी। लेकिन पवन भी अभी जाने के मूड में, रूम पे जाने के मूड में ये खड़ा है बिल्कुल। मेक श्योर टू प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशन उसी से आती है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।